खाकी छोड़कर खादी का दामन थामने वाले बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे की सियासी उम्मीदों पर पानी फिर गया है। डीजीपी के पद पर रहते हुए अपनी दबंग छवि बनाकर उन्होंने सियासी राह पकड़ने की पुरजोर कोशिश की, लेकिन उनकी सारी कोशिशें बेकार साबित हुई। गुप्तेश्वर पांडे का सियासी करियर शुरू होने से पहले ही माने विराम लग गया है। बिहार के पूर्व डीजीपी और चुनाव से तुरंत पहले जेडीयू में शामिल हुए गुप्तेश्वर पांडे ने साफ कर दिया है कि वे इस बार बिहार विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। दरअसल गुप्तेश्वर पांडे जिस बक्सर सीट से चुनाव लड़ना चाह रहे थे वो बीजेपी के खाते में चली गई। जब जेडीयू ने उनके नाम की घोषणा नहीं की तो कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी बक्सर से उन्हें चुनाव लड़वा सकती है, लेकिन उनके समर्थकों के इस उम्मीद पर भी तब पानी फिर गया जब बीजेपी ने बक्सर से परशुराम चतुर्वेदी के नाम की घोषणा कर दी। इसके बाद गुप्तेश्वर पांडे ने लंबी सफाई दी और कहा, अपने अनेक शुभचिंतकों के फोन से परेशान हूं, मैं उनकी चिंता और परेशानी भी समझता हूं। मेरे सेवा मुक्त होने के बाद सबको उम्मीद थी कि मैं चुनाव लड़ूंगा, लेकिन मैं इस बार विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ रहा। हताश निराश होने की कोई बात नहीं है, धीरज रखें। मेरा जीवन संघर्ष में ही बीता है, मैं जीवन भर जनता की सेवा में रहूंगा। कृपया धीरज रखें और मुझे फोन नहीं करें। बिहार की जनता को मेरा जीवन समर्पित है। साथ ही बक्सर का जिक्र करते हुए उन्होंने लिखा कि अपनी जन्मभूमि बक्सर की धरती और वहां के सभी जाति मजहब के सभी बड़े छोटे भाई बहनों माताओं और नौजवानों को मेरा पैर छूकर प्रणाम, अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। आपको बता दें, सुशांत सिंह राजपूत खुदकुशी केस की जांच के दौरान गुप्तेश्वर पांडे अपने बयानों से चर्चा में आए थे। पिछले महीने गुप्तेश्वर पांडे ने बिहार डीजीपी के पद से इस्तीफा देकर सबको चौंका दिया था। तभी से इस बात की चर्चा हो रही थी कि वे जेडीयू के टिकट पर बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। न्यूज़ डेस्क।